देखिए आज झारखंड प्रदेश के आंदोलन और बदलाव के एक साक्षी, एक गवाह आदरणीय बर्नार्ड कुचनिया साहब का निधन हो गया। सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन बिताए गए वक्त, लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं, उनके विचारों को, उनके कार्यों को लोग आकलन करते हैं, आज कितनिया साहब के नहीं रहने से मानो ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी का एक जो मार्गदर्शक के रूप में भूमिका आज के दिन में निभा रहे एक अध्याय बंद हो गया। हमने तो इनके गोद में खेला, और आज भी इनके अंदर गुजरने से पहले तक इनके अंदर राज और राजवासियों के प्रति जो इनकी भावना रही है, वो मुझे लगता है ऐसी भावना विलक्षण लोगों के में ही देखने को मिलता है। राज का एक एक कोना, एक एक कोने में बसने वाले लोग, झारखंड प्रदेश का बदलता तस्वीर, आंदोलन को अपने हाथों से पार करने वाला ये व्यक्ति, अपने नज़रों के सामने से गुजारे हुए वो वक्त, जब ये इस दुनिया में थे, राज के बारे में अगर कोई जानकारी में हमें कोई कंफ्यूजन होती तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कितनिया साहब को, और मुझे लगता है इस राज का एक बहुत बड़ा डिक्शनरी के रूप में, बहुत बड़ा एक गवाह के रूप में, बहुत बड़ा एक कहा जाए कि राज को समझने जानने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच से हमें छोड़कर चले गए। इनकी कमी आज ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन जो उन्होंने राजवासियों को दिया, हालांकि ये एक सरकारी मुलाजिम के रूप में इन्होंने काम किया, लेकिन सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ राज के प्रति जो समर्पित भावना इनके अंदर रही है, चाहे वो सस्पेंड हो जाए, चाहे वो उनको
ट्रांसफर कर दिया जाए, चाहे वो कुछ कर दिया जाए, राज की भावनाओं से इनको कभी भी किसी ताकत ने हटाने की दुस्साहस नहीं किया, ना वो कर सके। निश्चित रूप से आज विशेषकर मैं अपने परिवारजनों के तरफ से इनको सच्चा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और उनकी सोच को हमेशा जयमर रखे। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।